Students, today we'll solve the numericals regarding Kirchhoff's laws. In our last lecture, we'll learn what is Kirchhoff's laws. And there are two laws that Kirchhoff gave us. First is Kirchhoff's current law and second is Kirchhoff's voltage law. And after that, we'll learn that how to apply the Kirchhoff's laws. For solving the numericals, dear students, we need to remember only two points. The first point is regarding the cell. Whenever we are going from negative to positive terminal, in that case we take EMF as positive. Means हम लोग जा कहाँ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो EMF भी हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. ओके, एंड वेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग EMF भी कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे. In case of resistor, we already know that current flows from higher potential to low potential. Okay, and if our direction is also in the direction of current, means our path is also same as the direction of current. In that case, we'll take potential as positive product of current into resistance. Okay, and if our direction is opposite to that of the direction of current, as we already know that current always flow from positive to negative, current ki direction to hamare pas kya rahegi, same hi rahegi. But agar hamare path ki direction kya hai, usse opposite hai, us case mein hamare paas potential ka product kya hoga, negative hoga. Okay, this is our first numerical. In this we have 4 volt battery which is connected across point P and Q, in which P is connected with the positive terminal and Q is connected with the negative terminal. Then we have one more battery of 5 volt in which positive terminal is connected with P and negative terminal is connected with S. After that, we have a resistance of 200 ohm which is connected between the point S and R. And after that, we have one more resistance of 60 ohm which is connected between the point R and Q. So this is our figure. Okay, if a milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R, so this is our 20 ohm resistance. Okay, it is connected between P and R. Calculate the reading of the milliammeter. हमें किसकी रीडिंग निकालनी है, मिली एमीटर की. हमें एक चीज़ पता है, एमीटर क्या करता है, एमीटर विल गिव अस द वैल्यू ऑफ करंट. तो मींस हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है किसके अक्रॉस, 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस. ओके, व्हाट विल डू, विल ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल. तो हमने यहाँ पे कौन से सेल में से करंट ड्रॉ किया है, 4 वोल्ट में से हमने करंट क्या किया है, ड्रॉ किया है. ओके, तो यहाँ से हमने करंट क्या कर दिया, निकाल लिया. कितना करंट निकाला, आई करंट निकाला. एक बात हमें याद रखनी है कि सेल से या बैटरी से हम लोग जितना भी करंट निकाल रहे हैं उसको हमने एंड में उतना करंट क्या करना है, वापस करना है, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा. ओके, तो हमने कितना करंट निकाला, आई करंट हमने निकाल लिया. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जंक्शन आ गया. तो यहाँ से हमारे पास टू ब्रांचेज है जहाँ पे करंट क्या होगा, पास होगा. ओके, सो यहाँ से आई करंट आया, वो टू पार्ट्स में हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या भेज दिया, आई वन करंट भेज दिया. यहाँ पे हम जो करंट को डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज किर्चॉफ करंट लॉ. ओके, तो आई यहाँ पे आया, फिर हमारे पास वो दो पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया. इधर हमारे पास कितना करंट चला गया, आई वन. ओके, अब जब आई में से आई वन चला गया तो हम कितना रह गया हमारे पास, आई माइनस आई वन. क्यों हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, क्योंकि आई वन तो हमारे पास यहाँ चला गया, तो आई माइनस आई वन हमारा इस ब्रांच में चला गया. ओके, आई वन माइनस आई वन इज़ गोइंग फ्रॉम हियर. अब आगे कोई बात तो है नहीं कि वहाँ पे वो डिवाइड हो जाए, तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, दैट इज़ आई माइनस आई वन. अब यहाँ से हमारे पास आई माइनस आई वन करंट क्या है, यहाँ रीच कर गया. अब देखो यहाँ से भी हमारे पास आई वन आ रहा है और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, आई माइनस आई वन.
तो आई माइनस आई वन प्लस आई वन है ना, क्योंकि करंट हमारे पास यहाँ से भी आ रहा है, तो ये आई वन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कितना करंट रह गया, हमारे पास सिर्फ आई करंट रह गया, और वो आई करंट हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब हमने बैटरी से जितना करंट लिया था उतना ही करंट हमने बैटरी को क्या कर दिया, वापस कर दिया। ओके, अब हमने करंट ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अब हम लोग क्या करेंगे, लूप कंसीडर करेंगे। तो मैंने पहले एक क्लोज पाथ क्या लिया, पी एस आर एस, तो मेरा लूप क्या हो गया, पी से एस तक। ओके, तो मैंने कैसा लूप यहाँ पे कंसीडर किया है, मैंने क्लॉकवाइज लूप यहाँ पे क्या किया है, कंसीडर किया है। अब नेक्स्ट मैं कौन सा पाथ लूँगी, पी आर क्यू पी। ओके, पी आर क्यू पी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्लोज पाथ की हमारे पास निशानी होती है कि जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं दोबारा वहीं पे हम लोग घूम के आ जाते हैं। ओके, तो एक लूप मैंने ये कंसीडर कर लिया, एक लूप मैंने ये कंसीडर कर दिया। यहाँ आपकी मर्जी है, अगर आप लोग क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो क्लॉकवाइज ले सकते हो दोनों, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, अगर एक क्लॉकवाइज लेना चाहते हो एक एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, सबसे हमारे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। नाउ विल अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ इन द लूप पी आर क्यू पी। ओके, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ विल नो दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF in any loop of the circuit is equals to the sum of product of current into resistance. Okay, this is Kirchhoff's second law, that algebraic sum of EMF in a circuit is equals to sum of product of current into resistance. Okay, तो यहाँ से हमारा path क्या हुआ, start हुआ, that is P R Q P. तो यहाँ से जब हमने चलना स्टार्ट किया कितना करंट है हमारे पास, आई, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, रेजिस्टेंस आया। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर करंट जा रहा है हमारा, और हमारा पाथ भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। जब हमारा करंट का और हमारा पाथ एक ही डायरेक्शन में होता है तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड थिंग, पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई आर। ओके, तो यहाँ हमारे पास आर कितना है, 20, आई कितना है, आई 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 20 आई 1, तो हमने लिख दिया प्लस 20 आई 1। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस आ रहा है, और हमारा पाथ भी क्या है, इसी के अलोंग है, ऐसे है ना हमारा पाथ। ओके, तो हमारा पाथ की और हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ओके, तो हमारे पास अब फिर पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो करंट कितना है, अब हमारे पास करंट है आई और रेजिस्टेंस 60, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 60 into I, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 60 into I। अब प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, अब जितने भी रेजिस्टेंस थे उसके अक्रॉस हमने प्रोडक्ट ले लिया और उसका क्या ले लिया, सम ले लिया। ओके, अब हमने क्या लेना है, सम ऑफ ईएमएफ। तो हमारे पास इस लूप में सिर्फ एक ही सेल है जिसके अक्रॉस हमारे पास कितने वोल्ट वोल्टेज है, दैट इज़ 4 volt। ओके, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो अब हम इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमने पढ़ा हुआ है जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तब हमारा ईएमएफ क्या होगा, प्लस ही होगा। तो हमारे पास 4 क्या आ गया, प्लस 4। आई नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ वी सिमिलरली अप्लाई द किरचॉफ लॉ इन द लूप पी एस आर पी। ओके, एंड अवर लूप इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम पी टू पी। ओके, now if we see carefully then in cell we are going from positive terminal to negative terminal, है ना।
तो इन सेल वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल देन द EMF इज नेगेटिव ओके एंड वी हैव टू राइट द सम ऑफ द EMF सो इन दिस क्लोज पाथ वी हैव ओनली वन सेल ओके सो देयर इज वन EMF एंड दैट इज नेगेटिव ओके सो वी राइट एंड द वोल्टेज इज 5 ओके सो राइट सो व्हाट वी राइट इट एज माइनस 5 ओके माइनस क्यों आया यहाँ पे ड्यू टू द डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ओके तो इन सेल व्हेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी राइट EMF एज माइनस ई नाउ वी कम अक्रॉस द रेजिस्टेंस अगर अब हम रेजिस्टेंस की बात करें देन अवर पाथ एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ इज इन द सेम डायरेक्शन ओके सो व्हेन दिस हैपन देन अवर पोटेंशियल ड्रॉप इज पॉजिटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर दैट इज करेंट इंटू रेजिस्टेंस तो हमारे पास क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई आई माइनस आई वन ओके सो हियर वी राइट 200 मल्टीप्लाई आई माइनस आई वन ओके एंड नाउ इफ यू सी दिस देन हियर आवर डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड आवर डायरेक्शन ऑफ पाथ बोथ इज इन अपोजिट डायरेक्शन दैट्स वाई पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव सो वी राइट इट एज माइनस 20 आई वन ओके सो हियर वी राइट इट एज माइनस 20 आई वन ओके सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन बट फर्स्टली वी विल सॉल्व इट सी इफ वी मल्टीप्लाई 200 विद आई दैट इज 200 आई वन सॉरी 200 आई देन इफ वी मल्टीप्लाई विद आई वन देन दैट इज 200 आई वन दिस इज 20 आई वन एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस 5 आफ्टर दैट वट आई डू द एज दे बोथ आर नेगेटिव That's why I do addition and put the sign of negative. This become 220 I 1. After that, I take 5 common and inside it become 40 I minus 44 I 1. Okay. Then I take this 5 in the downside. Okay. So, it is cancel out and it become 1. So, our final equation that is equation number 2 become 40 I minus 44 I is equals to minus 1. These are our two equations. This is our equation number 1 and this is our equation number 2. Okay. And I already told you that we need to find the value of I1. Hame kiski value find karni hai? I1 ki value find karni hai. So we try to eliminate I. Okay. To hum try karenge ki I ko hum log kya kar dein? Eliminate kar dein. Fine. Eliminating I, what we'll do, we'll multiply the equation number 1 by 2 and we multiply the equation number 2 by 3. Okay, so hum puri equation ko, isko kisse multiply kar denge? 2 se multiply kar denge. Okay, and equation number 2 mein, isko hum kisse multiply kar denge? We'll multiply it with 3 okay now after multiplying our equation 1 become 120i plus 40i1 is equals to 8 and our equation number 2 become 120i minus 132i1 is equals to minus 3 now what we'll do we'll subtract them okay so this become negative this become positive and this also become negative okay So, as one is positive, one is negative. So, this is cancel out. So, what I kya ho gaya? Eliminate ho gaya. Aur kya bacha ab hamare paas? We left with this. So, when we add them, it become 172 I1. And this become 8, 9, 10, 11. 11. Okay. And we have to find the value for I1. So we take 172 in down side. Okay. So when we divide it, it will get the answer in points. And the answer is 0.064 ampere. Okay.